सेना में भर्ती का सपना दिखाकर अपने ही क्षेत्र के लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। शिकायत के बाद युवक गिरफ्तार। पनवार क्षेत्र के बर्ती कला का रहने वाला है युवक। सैनिक की वर्दी, बैच, कार्ड पुलिस ने किए बरामद। सेना में भर्ती का सपना दिखाकर अपने ही क्षेत्र के लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। शिकायत के बाद युवक गिरफ्तार। पनवार थाने के बर्ती कला का रहने वाला है युवक। सेना की वर्दी, बैच, कार्ड पुलिस ने किया बरामद। सेना में भर्ती का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाला शातिर युवक पुलिस की गिरफ्त में। युवक पनवार थाना अंतर्गत बरेती कला का रहने वाला। अपने ही इलाके के लोगों को सेना में नौकरी के नाम से ठगी कर डाली लाखों रुपए की। सेना में भर्ती के सुनहरे सपने दिखाकर लोगों को चूना लगाने वाला लाखों रुपए ऐंठने के बाद सेना में भर्ती का फर्जी लेटर भी पकड़ा दिया करता था। पीड़ितों को जब अपने साथ ठगी की जानकारी हुई तो थाने में शिकायत दर्ज कराई। दो थाने में आरोपी के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभिषेक कुशवाहा निवासी बरेती कला पनवार ने तराई अंचल में बेरोजगार युवकों को ठगी का शिकार बनाया। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों को झांसे में लिया। आरोपी ने खुद को सेना में लिपिक बताते हुए अपनी पहचान ऊपर तक होने की इलाके के लोगों को बताया। लोगों को झांसे में लिया, सेना में भर्ती करवाने के एवज में लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस ने आरोपी से सेना से जुड़े हुए दस्तावेज, परिचय पत्र, अन्य सामान बरामद किए हैं। इसमें एक आरोपी अभिषेक कुशवाहा ने बेरोजगार युवक को ठगने के लिए एक रणनीति के तहत अपने यहां पर लैपटॉप, कंप्यूटर इत्यादि का उपयोग करके आर्मी भर्ती के नाम पर उसको ठगने का पूरी तैयारी की, जिसमें कि जैसा आप देख रहे हैं उन्होंने विभिन्न प्रकार के आईडी कार्ड डेवलप किए, विभिन्न बैचेस आर्मी के, विभिन्न डिजाइन के काफी सामान इकट्ठा किया, कैप, यूनिफॉर्म आर्टिकल्स, जिससे कि वो सामने वालों को इस बात का पूरी तरह विश्वास दिला सके कि ये आर्मी की भर्ती ही हो रही है और उसमें ही उनको नियुक्ति मिलेगी, रोजगार मिलेगा, वेतन मिलेगा। इसके चलते इस युवक ने इनसे बातचीत जारी रखी। जब इस व्यक्ति के बारे में जानकारी मिली तो उसकी खोजबीन की गई, पड़ताल की गई और इसको पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज की और इसको राउंड अप किया है। अभी हम लोगों ने जब पूछताछ की है तो ऐसी जानकारी मिल रही है हमको और लोगों को भी इसने ऐसा ठगा है और हमने एक एफआईआर भी अन्य थाने अतरला में पंजीबद्ध कर ली है। एक व्यक्ति और है अभी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वो संपर्क में है, वो भी आएंगे, उनकी भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो तीन प्रकरण तो अभी हमारे सामने क्लियर है जिसमें इस व्यक्ति ने आर्मी भर्ती के लिए लोगों को ठगने का काम किया है और काफी हमारे पास एविडेंस भी हमने कलेक्ट कर लिए है। अभी हम इससे और पूछताछ कर रहे हैं कि इसके कोई साथी तो नहीं है, ग्रुप तो नहीं है, विभिन्न एंगल पे इस पर बातचीत चल रही है और जो हमारी पूरी तस्दीक हो जाएगी तब हम इसके बारे में और डेवलपमेंट जो भी होंगे वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे।